अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन रेसिपी। मेरे चैनल पे जो भी न्यूअर्स है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैंने स्क्रीन पर दिया है, उधर से आप लोग नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो भी पाउडर मसाला यूज़ किया है, 1 टीस्पून के करीब यूज़ किया है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर और ग्राम फ्लोर को लिया है, बेसन को, और 1/2 कैप्सिकम, 1 ऑनियन लिया है, और थोड़ा जिंजर और गार्लिक को और चिली को लिया है, थोड़ा फ्रेंच ऑनियन को भी कट करके रखा है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस को लिया है, 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस को लिया है, और यहाँ पे चिली पाउडर, पेपर पाउडर और सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून के करीब सेसम सीड को लिया है गार्निश करने के लिए। 1 बाउल जितना मैंने यहाँ पे गोभी को कट करके रखा है। अभी हम लोग सबसे पहले गोभी को बॉईल करेंगे। गोभी को बॉईल करना एक्चुअली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग बॉईल कर सकते हैं या आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी को बॉईल होने के लिए रखा है और इसमें थोड़ा सा टर्मरिक को ऐड करेंगे और उसके साथ में सॉल्ट को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम लोग यहाँ पे पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है, अभी हम लोग गोभी को 1 बाउल में निकाल लेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे और 1 बाउल लिया है, उसमें 1 से 1.5 स्पून के करीब, 1.5 टेबल स्पून के करीब हम लोग कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे और बाकी का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब बेसन को लिया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। आप लोग यहाँ पे मैदा चाहिए तो मैदा को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बेसन यूज़ किया है। और थोड़ा सा हम लोग चिली पाउडर और यहाँ पे पेपर पाउडर को भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट को भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पानी को भी थोड़ा ऐड करेंगे, पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, अब इसमें थोड़ा हम लोग पानी को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग इसमें गोभी को ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अच्छी तरह से गोभी में मिक्स हो जाए। और अभी हम लोग गोभी को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और तेल गर्म होने के बाद में हम लोग गोभी को ऐड करेंगे। इसी तरह से हम लोग गोभी को ऐड करते जाएंगे। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद में और एक साइड से भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी बनता है,
अभी हम लोग उसी पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल को रखा है और जिंजर गार्लिक को ऐड करेंगे और यहाँ पे कैप्सिकम को भी हम लोग ऐड कर देंगे, उसके साथ में चिल्ली को भी ऐड करेंगे और ऑनियन को भी ऐड करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सॉल्ट को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चिल्ली पाउडर को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे सोया सॉस को ऐड करेंगे और चिल्ली सॉस को भी ऐड करेंगे और थोड़ा टमाटो सॉस को भी ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर को भी थोड़ा यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गोभी को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी लेमन जूस को हम लोग ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस को लिया है। अगर आप लोग विनेगर को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ग्रीन ऑनियन से गार्निश किया है। अभी रेसिपी को हम लोग सर्व करेंगे एक प्लेट में। आप लोग ये रेसिपी को ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। और मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूवर्स हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।